फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप धावा कंपनी के NVR XVR की आप फैक्ट्री रीसेटिंग या आप एक नया DVR खोल रहे हैं, आपने जस्ट बॉक्स से निकाला है, उसकी आप सेटिंग कैसे करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चलूँ कि अगर आप अपने रनिंग XVR की फैक्ट्री रीसेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये आप वीडियो देखें। इसका इतना ही सिंपल सा तरीका है। सम टाइम ऐसा होता है कि आप अपने XVR का पासवर्ड या उसका पैटर्न, इस तरह कोई चीज़ भूल जाते हैं। आप मेन मेन्यू में जाएंगे, सिस्टम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें तमाम ऑप्शन आपके पास वो ऑप्शन आ रहे हैं जिनसे आप XVR या DVR की बेसिक सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन पड़ा है, आप डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये तकरीबन 5 ऑप्शन शो होंगे जो कि किसी भी DVR के बेसिक ऑप्शन होते हैं। आप अगर सबको सेलेक्ट करते हैं तो आपका DVR बिल्कुल रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग में चला जाएगा। लेकिन अगर आप किसी एक चीज़ को रीसेट करना चाहते हैं तो भी आप उसको कर सकते हैं। रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग्स में ये होगा कि आपकी हार्ड डिस्क में मौजूद जितनी भी आपकी रिकॉर्डिंग पड़ी है, हो सकता है वो डिस्टर्ब हो जाए और आप उसको व्यू करने के काबिल ना रहें। ये देखें, मैंने इसको रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग किया है। अगर यहाँ तक हम बात करें तो हमारा एक रनिंग XVR या DVR जो भी हमारे पास चल रहा था उसको हमने अपनी बिल्कुल ज़ीरो पोजीशन पे ले आए हैं। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि मैंने नया XVR अपने बॉक्स से निकाला है तो उसकी सेटिंग यहां से स्टार्ट होगी। आपने उसको पावर ऑन किया, ये XVR का जितना भी उसके अंदर सॉफ्टवेयर अपलोड होगा वो सारा का सारा इनिशियल से बूट होगा। ये खुद से रिस्टार्ट होता रहेगा क्योंकि इसके अंदर एक फर्मवेयर होती है, सॉफ्टवेयर होता है। जिस तरह कंप्यूटर के अंदर विंडो होती है, इस तरह इसका अपना एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, वो अपलोड हो रहा है। ये सिस्टम इनिशियलाइजिंग स्टार्ट हो गई है। XVR थोड़े में ये यहाँ पे ये बता दूँ, XVR कैमरास के अंदर वो टाइप है जिसके ऊपर आप डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों चीज़ें चला सकते हैं। ये हमारे पास आया है, पहले सबसे पहली विंडो शेष हुई है लैंग्वेज, चूँकि हम इंग्लिश आसानी से समझते हैं हम इंग्लिश को ही रखेंगे। पाल, ये वीडियो का एक स्टैंडर्ड होता है जो नॉर्मली जनूबी एशिया के अंदर यही इस्तेमाल हो रहा है। यूज़र एडमिन, व्यूअर्स यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि एडमिन पासवर्ड ही भूल जाने की वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। ये पासवर्ड आप इंतहाई सोच समझ के रखें। ये मैं यहाँ पे एक सिंपल सा पासवर्ड रख रहा हूँ, ABCD@1234। अच्छा, इसमें एक लेटर कैपिटल रखना होता है वरना ये एक्सेप्ट नहीं करता, तो मैंने ए को ही कैपिटल रख लिया। आप अपने हिसाब से वो पासवर्ड रखेंगे जो आपको याद रहे। सेम वही पासवर्ड आप दोबारा एंटर करेंगे जस्ट टू मेक श्योर कि आपका जो पासवर्ड है वो ऐसा ही है जैसे आपने बेसिक पासवर्ड डाला था। प्रॉम्प्ट क्वेश्चन डालें आपकी मर्ज़ी है, ना डालें तब भी आपकी मर्ज़ी है। ये वही पैटर्न है जिस तरह मोबाइल में होता है, अनलॉक पैटर्न जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे आप कोई भी वर्ड डाल सकते हैं, NMZ, मुझे Z ज़रा आसान लगा है तो मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पे Z या Z बोलते हैं इंग्लिश वर्ड, वो मैंने लिख दिया है। इसको आप दोबारा एंटर करेंगे। यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना बहुत ज़रूरी होता है, कोई भी DVR, XVR, NVR होता है उसमें आप जब बेसिक सेटिंग करते हैं या जिसको हम स्टार्टअप विजिट कहते हैं उसमें ईमेल एड्रेस लाजमी दिया जाता है, इसके बगैर आपकी इस बेसिक सेटिंग कंप्लीट नहीं होती। अच्छा, अगर ईमेल को आप ऑफ कर दें तब ये एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन याद रखिएगा फिर आप नेटवर्क पे उस तरह एफिशिएंसी आप इसकी नहीं ले सकेंगे, आपके बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो मिस हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है जी, आप ये तीन क्वेश्चन होते हैं, ये अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप ये क्वेश्चन यहाँ पे इसको आंसर दे के आप अपना पासवर्ड रिट्रीव कर सकते हैं। व्हाट इज़ यूर, आप मतलब कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे थे, आप उनको कोई भी जवाब मतलब दे सकते हैं। यहाँ पे मेरा निक नेम मैंने अली लिख दिया, आप उस पर किसी भी सवाल का जवाब आप लिख सकते हैं। आपका हीरो डेफिनेटली, मैं अपने फादर को यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप जो अपने लिए बेस्ट समझते हैं वो आप लिखते हैं। फ्रूट मैंने एप्पल लिख दिया है, जो ज़ाहिर है जो मुझे चीज़ें अच्छी लगती है वो मैंने अपने हिसाब से लिखी हैं, आप अपने हिसाब से लिखेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वो सेटिंग बेसिक सेटिंग होती है जहाँ पे आप मतलब ऐसे कह लूँ कि ये बहुत ज़रूरी होती है। एग्रीमेंट लाइसेंस, एंड यूज़र एग्रीमेंट लाइसेंस भी बोलते हैं इसको।
कि जो यूज़र होता है वो इन तमाम चीज़ों से एग्री हो रहा है, आप रीड कर लें तो भी अच्छा, ना करें तो नॉर्मली ये होता है कि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपको पता चल जाते हैं। व्यूअर्स, ऑटो अपडेट ये होता है कि अगर आप चेक करेंगे तो इंटरनेट से अपडेट होता रहेगा। डिवाइस नेम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिवाइस नेम वो चीज़ होती है कि आप अपना एक DVR या NVR XVR कहीं पर इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप उसको कोई लोकेशन देना चाहते हैं, जैसे कि मैं आप घर में कैमरे लगाऊंगा तो मैं यहाँ पे होम लिख दूंगा, Home 1, Home 2। अगर आपके एक से ज़्यादा DVR लगे हुए हैं तो आप उनको नाम दे दें। अगर आपकी शॉप है तो यहाँ पे आप लिख दें शॉप लिख दें। आपका बिजनेस प्लेस है, बिजनेस प्लेस लिख दें आप, उसकी जो भी आप नाम देना चाहेंगे। ये नाम कोशिश करें शॉर्ट से शॉर्ट हो, उसकी वजह यह है कि इसी नाम के ऊपर आप अपने DVR को रिमोटली एक्सेस करेंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, डिवाइस नेम के ऊपर ही आप अपने DVR को मोबाइल पर एक्सेस कर सकेंगे। तो इसलिए ये नाम शॉर्ट और बेस्ट स्पेलिंग के साथ लिखना चाहिए, क्योंकि अगर ये उसमें आप गलती करेंगे, कॉमास वगैरह ना डालें, फुल स्टॉप ना डालें, आप सिंपल वर्ड के साथ लिखें इसको। नीचे इस सेटिंग को आप बिल्कुल ना छेड़ें। इसके आगे आ जाती है डेट एंड टाइम सेटिंग, कि आप अपने DVR की डेट और टाइम सेटिंग कैसे करेंगे। GMT+5 पाकिस्तान का है, इस्लामाबाद कराची, आप इसको सिलेक्ट कर लें। पाकिस्तान अरब नहीं लिखा होता, इस तरह शहरों के नाम लिखे होते हैं, तो आप अपने शहर के हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लें। हमारा पाकिस्तान का है GMT+5। इसमें भी मज़ीद किसी चीज़ को ना छेड़ें, नेक्स्ट कर दें। नेटवर्क, जो लोग IT डिपार्टमेंट हैं या जो लोग जानते हैं कि NVR को आप या XVR को आप इंटरनेट पर एक्सेस करेंगे, तो ये चीज़ थोड़ा आप देख लें इसको। इसमें बेहतर यही होता है कि आप इन चीज़ों को ना छेड़ें। DHCP, ये डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये बेसिकली वो चीज़ होती है जो लोग नेटवर्क इसको लाना चाहते हैं या नेटवर्क एक्सेस करना चाहते हैं, ये उनके लिए। यहाँ पॉइंट टू पॉइंट की बात आती है, इसको इनेबल करेंगे। जो मैं आपको पिछली स्लाइड में बात कर रहा था कि आप डिवाइस का नाम ध्यान से दें, क्योंकि आप अपने डिवाइस को अगर रिमोटली एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर इशू बनेगा आपका। जब आप P2P को इनेबल करते हैं तो आप डिवाइस सीरियल नंबर को स्कैन करके आप डिवाइस को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे ये बेसिक सेटिंग होती है, इसको आप बिल्कुल ना छेड़ें। मैं थोड़ा यहाँ पे ये बताता चलूँ, ये बेसिकली होती है कि आपकी वीडियो टाइप कौन सी आ रही है, सब स्ट्रीम कौन सी आ रही है आपकी, मतलब आप उसको नेटवर्क पर ले रहे हैं, आपके उसको कोएक्सियल केबल पर, कॉपर पर ले रहे हैं, आपका जो कनेक्टर टाइप किस तरह का है, ये सेटिंग बेसिकली बिल्कुल नहीं छेड़ी जाती। अदरवाइज अगर आप किसी स्पेसिफिक एक कैमरा के लिए चेंज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं इसको, लेकिन ये डीप सेटिंग होती है, इसको आप एज इट इज ही कंटिन्यू रखें और यहाँ पर कुछ भी ना छेड़ें आप। अगर आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि इनको आप बिल्कुल ना छेड़ें। ऑप्शन आप सामने सारे आएंगे, ये देखें जी, मैनुअल स्नैपशॉट, अगर आप वहाँ पे कोई तस्वीर लेना चाहते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे कैमरे के सामने ये बंदा कितनी बार गुजरा है, अगर उसकी आप तस्वीर फीड कर देंगे तो आपका DVR या XVR आपको बताएगा कि ये बंदा कितनी बार इस कैमरे के सामने से गुजरा है। बेसिक सेटिंग देखें, इसका नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हार्ड ड्राइव फुल होगी तो क्या करना है, इसने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देनी है या ओवर राइटिंग शुरू कर देनी है, तो आप इसको ओवर राइटिंग पे ही रखेंगे। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि मेरी हार्ड ड्राइव कितने दिन की रिकॉर्डिंग रखेगी। व्यूअर्स, ये डिपेंड करता है आपकी हार्ड ड्राइव के ऊपर। अगर आपकी हार्ड ड्राइव 1 TB है और वो 30 दिन की रिकॉर्डिंग रख रही है, तो जब 31 डे आएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी फर्स्ट डे वाली रिकॉर्डिंग गायब हो जाएगी, मतलब कि वो हार्ड ड्राइव उसको ओवर राइट कर देगी। तो ये यहाँ पर आप सेटिंग करते हैं, आप रखते हैं कभी नहीं स्टॉप कर दे तो HDD फुल होगी तो वहाँ पर स्टॉप कर देगा इसको। आगे आता है इसका रिकॉर्ड का, ये थोड़ा सा इसमें बताता चलूँ मैं, इसमें ये डे वाइज होता है। आप चाहते हैं कि हफ्ते के 7 दिनों ये रिकॉर्डिंग करता रहे, बिल्कुल करता रहे। आप चाहते हैं किसी एक दिन रिकॉर्डिंग ना करे, आप उसको एक्सक्लूड कर देंगे तो उस दिन को वो रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। ये किस टाइम से किस टाइम तक रिकॉर्डिंग करे, ये भी आप इसको बता सकते हैं। HD में करे, नॉर्मल करे, मतलब जो चीज़ आप इसकी सेटिंग बेसिक करना चाहते हैं डे वाइज के हिसाब से, आप वो तमाम सेटिंग यहाँ पे इसकी कर सकते हैं। मेरा मशवरा यही है कि ये इनिशियल सेटअप में आप इसको बिल्कुल ना छेड़ें। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें। अब ये देखें, ये 0 से लेकर 24 आवर्स तक ये शो हो रहा है आपके सामने, मतलब कि 24 घंटे का। आप चाहते हैं कि इस टाइम पर ये रिकॉर्डिंग ना करें, तो आप बीच में से वो आवर्स आप निकाल दें तो वो उस टाइम पे वो रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। ये आप सेटिंग के बाद भी आप ये चेंजेस के अंदर कर सकते हैं। देखें, ये सैटरडे की मैं चेंज कर रहा हूँ, ये देखें
मैं चाहता हूँ कि इन आवर्स में ये रिकॉर्डिंग करे, ठीक है, और इनमें ना करे। अगर आप उसको मुकम्मल चेक कर देंगे तो ये तो सारा दिन रिकॉर्डिंग, मतलब 24 आवर्स सैटरडे को रिकॉर्डिंग करेगा। ये इसका फाइनल हो गया जी, यहाँ पे आप इसको देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, कंप्लीट हो गया इसका। ये यहाँ पे आप जिस तरह मैंने वहाँ वाईफाई डिवाइस लगाई हुई है, आप अपने हिसाब से कोई भी डिवाइस लगा सकते हैं। तो जब आप डिवाइस लगाएंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी देंगे इसको, तो वो भी आपसे ये तमाम सेटिंग आपसे सेव करेगा। बट इट्स ये सब चीज़ अपनी चॉइस होती है, आप नेटवर्क पर क्या चीज़ के साथ लगाना चाहते हैं। ये थोड़ा सा मैं फिर बता दूँ, वाईफाई पे चले जाएं, अगर वाईफाई कनेक्ट करना चाहते हैं, ये आप इसको यहाँ पे इनपुट पासवर्ड ओके करेंगे तो ये पासवर्ड शो कर देगा, SSID वो हो गया, आपको ये पासवर्ड आ गया आपका। ये आपकी डिपेंड करता है कि आप इस पर आप लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते। ये मैं पासवर्ड लगा रहा हूँ, आपका अपना वाईफाई पासवर्ड होगा आप वो लगा दें इसके ऊपर। यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि आपका XVR इस वक्त इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है। इंटरनेट कनेक्ट करते हुए ये याद रखिएगा, आप इसकी सिक्योरिटी को जहन में रखें कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक ना कर दें कि कोई दूसरा भी आपका DVR इंटरनेट पर एक्सेस करता रहे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और नई वीडियो अगर आप इन कैमरों को मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग सहूलत कंप्यूटर अकेडमी।